अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मियां वहाज नेक्स्ट बात हुई असर कंसल्टेंट के प्लेटफॉर्म से आप लोगों की खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। आज मैं बात करूंगा कैपिटल स्मार्ट सिटी। कैपिटल स्मार्ट सिटी जैसे कि आप लोगों को पता है कि ना सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी है बल्कि एक शहर की हैसियत रखता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो मास्टर प्लान है, एक स्मार्ट सिटी के फीचर्स के साथ मुतारिफ करवाया गया था। जब हमने लोगों के साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लोगों को बताया इसके बारे में, तो बहुत सारे लोग ये कहते थे कि ये चीज़ प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो सकती, ये शहर से बहुत दूर है, लोग यहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन आपने देखा है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ने हर चैलेंज को जो है बड़े ही खूबसूरत अंदाज से, बड़े ही टेक्निकल तरीके से अबूर किया है और टाइम पे लोगों को बैलेटिंग की है, टाइम पे लोगों को कब्जा दिया और एक शहर वहाँ पे आबाद कर दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स के तमाम क्लाइंट जो है जिन्होंने हमारे थ्रू यहाँ पे बुकिंग्स की थी, आज वो एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर स्टैंड कर रहे हैं। आज अगर वो हमें रीसेल का कहते हैं, इतने पैसे उन्होंने अब तक पे नहीं किए जितना हम उन्हें रिटर्न में बेच के वो फाइल जो है उनको प्रॉफिट की मद में दिलवा रहे हैं। आज की जो अपडेट है वो जो BRT बस का सिस्टम है जी, उसके बारे में मैं कुछ बात करूंगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जी एक बड़ी ही अच्छी सहूलत मुतारिफ करवाई है। वो क्या है, गवर्नमेंट का जो BRT बस सिस्टम है वो एयरपोर्ट की पार्किंग से लिंक करता है। और जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है उन्होंने जो अपना रूट डिज़ाइन किया उसके बारे में मैं बात करूँगा। बसेस का वही पार्किंग जो एयरपोर्ट की पार्किंग है वहाँ से कैपिटल स्मार्ट सिटी की बसेस का रूट स्टार्ट होगा और वो थलिया इंटरचेंज से होते हुए कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है उससे होते हुए कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेन बुलेवार्ड की तरफ जाएगा। और अगर हम बात करें, ये टोटल 16 इन्होंने बस स्टेशंस डिज़ाइन किए हैं और 16 बस स्टेशन के हिसाब से एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं किया गया। ये बहुत अच्छे तरीके से इसको प्लान किया गया है। जो इसका ब्लू रूट है, दो रूट हैं, दो तरह की बसेज हैं, एक डबल डेकर बसेज है और एक जो सिंगल बसेज हैं वो इसके ब्लू रूट पर चलेगी, जो चक्री रोड से जो ट्रैफिक आएगी उसको पिक करेगी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर से जो रिंग रोड जा रहा है उसके ऊपर वो ट्रैवल करेंगे, उसके ऊपर जो है अपने पैसेंजर्स को, अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट करेंगे। और जो दूसरी बस है रेड रूट वाली, वो मैंने आपको बताया कि थलिया इंटरचेंज से लेके कैपिटल स्मार्ट सिटी के मेन बुलेवार्ड तक जाएगी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज से होते हुए जाएगी। बसेज जी बड़ी जदीद है क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी अपने जो इस एरिए को पोल्यूशन फ्री बनाना चाहते हैं और बसेज बड़ी जिद्दत के साथ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बसेज हैं और जिसमें डीजल की फैसिलिटी भी है कि अगर चार्जिंग कभी ख़त्म हो जाए तो डीजल जो है वो बैकअप के लिए यूज़ होगा। तो ये एक बड़ी जिद्दत के साथ एक नई अपडेट है कैपिटल स्मार्ट सिटी की। हमें बड़े खुशी होती है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे थ्रू, अगर उन्होंने अपनी जमा पूंजी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में लगाई है तो आज वो मुस्तफीद भी हो रहे हैं और हमें कुछ ना कुछ आपको एक अच्छी खबर जो है हम आपके साथ लेके आते हैं और हमें भी इससे बड़ी खुशी होती है। इसी के साथ मियां वहाज को दीजिएगा इजाज़त। बाकी अगर आप पिंडी इस्लामाबाद के अंदर सरमायाकारी करना चाहते हैं, हमारे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप नेक्स्ट पाथ कंसल्टेंट्स के नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे एक्सपर्ट आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेंगे।